नमस्कार जय हिंद साथियों। राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है कि 100 दिन के कार्य दिवस के अंदर भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी, लेकिन 100 दिन के कार्य दिवस से भी पहले 90 दिन के अंदर स्कूल व्याख्याता की भर्ती की जानी है 12,484 पदों पर। और इसमें जो आपके मुख्य जो सब्जेक्ट हैं, जिसमें इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, हिंदी है, भूगोल है, तो इनके पदों की जब बात करते हैं तो 1500 से 2000 के बीच में एक एक सब्जेक्ट के मध्य, किसी सब्जेक्ट के मध्य ये पद आपके हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े सब्जेक्ट भी है। जी हाँ, लेकिन 1000 से तो जहां तक प्लस इनमें सीटें होंगी, और 90 दिवस के अंदर आपकी ये परीक्षा पूरी करा ली जाएगी, अर्थात मार्च तक आपकी जो परीक्षा है इसे पूरा करा लिया जाएगा। जी हाँ, मार्च तक। पहले ये लग रहा था कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे तक जाएगी, लेकिन अब ये क्लियर कर दिया है कि 90 दिवस के अंदर ही ये कंप्लीट करा ली जाएगी। तो 90 दिवस का मतलब यही है कि मार्च में ये कंप्लीट करा ली जाएगी। जी हाँ, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं अप्रैल में, और उस चुनाव से पहले सरकार के लिए ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करानी जरूरी है। अगर केवल फोरम ही निकाले जाएं और परीक्षा ना ली जाए तो छात्र सोचेंगे कि ये चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए किया है, लेकिन सरकार ने छात्रों के सोचने से भी ज्यादा आगे बढ़कर केवल 90 दिवस के अंदर पूरी होगी, केवल 90 दिवस के अंदर पूरी होगी। तो आप मान सकते हैं ये मार्च तक आपकी ये पूरी हो जाएगी, और अप्रैल में लोकसभा के चुनाव। जी हाँ, अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हैं, उससे पहले ये कंप्लीट कर ली जाएगी, जिसमें पीटीआई के 461 पद हैं और स्कूल व्याख्याता के 12,484 पद हैं। स्कूल व्याख्याता के 12,484 पद हैं स्कूल व्याख्याता के, और ये बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। स्कूल व्याख्याता की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में ये बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में, और 100 दिवस की कार्य योजना में किया जाएगा, और उससे भी पहले ये करा लिए जाएंगे। जी हाँ, विभागीय स्तर पर भर्तियों को पूरी करने के लिए ड्राफ्ट की तैयारी पर काम चल रहा है, और ड्राफ्ट की तैयारी पर काम चल रहा है। संभव है ये ड्राफ्ट ही किसी के पास पहुंच गया हो। कोशिश है जल्द भर्ती पूरी होगी, और जल्द ये जो भर्ती है ये जल्द ये भर्ती पूरी होगी। अरुण शर्मा, शिक्षा निदेशालय, बीकानेर। तो अब आप अपने तैयार हो जाइए, तैयारियों में लग जाइए। मैंने हमेशा पहले भी कहा है, जीतता वही है जो पहले जाग जाता है। जी हाँ, जो पहले जागता है वही जीतता है, जो लेट उठता है वो नहीं जीत पाता है। और स्कूल व्याख्याता की जब हम बातें करते हैं तो इसके लिए जरूरी है क्रमबद्ध तरीके से मेहनत। चाहे आप कम पढ़ें, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़ें। और बहुत से ऐसे छात्र हैं एक महीना पहले जागना प्रारंभ करते हैं, रात दिन कर देते हैं, लेकिन काम उससे नहीं चल पाता। बस क्रमबद्ध तरीके से पढ़ो, चाहे कम पढ़ो। तो अब तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अच्छी किताबें पढ़ें, किसी अच्छे टीचर से पढ़ें, जो आपका अच्छा टीचर हो, जिसकी क्लासें आपकी समझ में आती हो, कोई भी टीचर हो सकता है। और अगर आप इतिहास की तैयारी करना चाहते हैं तो इतिहास की आप हमारे माध्यम से भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर का, तो वहां से आप कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इतिहास से हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और फर्स्ट ग्रेड की हमारी जो क्लासे हैं वो हमारी चल रही है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां से भी इतिहास आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, तो ऑफलाइन भी हमारी यहाँ पर क्लासे चल रही है, तो एक बार आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले पहले ये जो भर्ती है इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। पहले लग रहा था कि ये बाद में होगी, जुलाई के लगभग होगी, लेकिन अब 90 दिवस के अंदर ही ये कंप्लीट कर ली जाएगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारियों में लगे रहें, क्योंकि बहुत अच्छा और सुनहरा आपके पास अवसर है। जी हाँ, और इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। और इसके साथ साथ जो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी जो वैकेंसी है वो भी आने वाली है। जी हाँ, वो भी आने वाली है, लेकिन पहले इसका जो ड्राफ्ट है वो स्कूल व्याख्याता का तैयार हो चुका है, और द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का ड्राफ्ट भी बहुत जल्द तैयार होने वाला है। तो अगर जो छात्र द्वितीय श्रेणी की, तृतीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी अपनी तैयारियों में लगे रहें, क्योंकि इसका ड्राफ्ट भी बहुत जल्द तैयार होने वाला है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद, और जय हिंद।